आपने कितना पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, कौन सा नंबर पोस्ट भरा, आपके कॉम्पिटिटर ने कितना पोस्ट भरा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, समझ रहे मेरी बात को। नवज्योति जी जो चाहते थे ये उनको मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इनको भी नहीं पता था इनको क्या मिलने वाला है। जब इनको मिल गया तब इनको मालूम चला कि इनको क्या मिला। ठीक है राज जी, तो बस आप ऐसा समझना कि वो पॉइंट्स पर आपने पोस्ट भरा है, किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसा भी कह रहे थे कि सर मैंने टॉप में ट्रैक मेंटेनर भर दिया है, तो अब मैं क्या करूँ, अच्छा स्कोर नहीं लाऊँ क्या, कब लाऊंगा तो मुझे नीचे वाला पोस्ट मिल जाएगा। देखिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अपना बेस्ट दीजिए और सही नियत से एग्जामिनेशन देंगे तो अच्छा पोस्ट भी आपको मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना। अभी अपना पूरे जो फोकस रखे वो तैयारी के ऊपर रखे कि आपका जो ग्रुप डी में जो मेन रोल निभाने वाला सीबीटी ही निभाने वाला, ये एनटीपीसी नहीं है कि हाँ सीबीटी वन क्वालिफाइंग इन नेचर है, सीबीटी टू आपका मेरिट डिसाइड करेगा। सीबीटी वन में जो सारा डिसीजन होगा वो आपके सीबीटी मार्क्स के बेसिस पे होगा, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है हाँ नवज्योति जी के रॉ मार्क्स, चलिए अंकुर जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नवज्योति जी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इधर आपको अपने रॉ मार्क्स याद है तो आप जरूर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ये कर सकते हैं। तो आपका रॉ मार्क्स कितना था ग्रुप डी में? देखिए मेरा ग्रुप डी में रॉ मार्क्स 76 था, मैंने 79 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा रॉ मार्क्स 76 के करीब था, तो दो तीन क्वेश्चन मेरे गलत हुए होंगे। और मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि जितने मुझे आते हैं मैं उतने अटेम्प्ट करता हूँ, मेरा ये मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ, इसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ। मेरे जितने आते हैं तो मैंने 80 के करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे 76 रॉ मार्क्स से, और जो नॉर्मलाइज होने के बाद 88 हो गए थे। वाह और बहुत ही अच्छा आपका इंप्रेसिव अटेम्प्ट था। ऑब्वियसली बात है 76 अटेम्प्ट, अभी तो हाई एक्यूरेसी इतना आसान नहीं होता। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान दिखते हैं कि वैसे तो मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज आप लोग निगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे एक टर्म इन्होंने कहा था, एक होता है ब्लाइंड तुक्का और एक होता है कैलकुलेटिव तुक्का, कैलकुलेटिव गेस। तो आपको गेस करना भी तो वैसे कैलकुलेटिव गेस, ब्लाइंड गेस कभी ब्लाइंड गेस मत कीजिए। सेकंड थिंग, एक चीज मैं स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके निगेटिव मार्किंग का नॉर्मलाइजेशन को कोई मतलब नहीं ना। आप कितना निगेटिव किए हैं नॉर्मलाइजेशन को इससे कोई मतलब नहीं। नॉर्मलाइजेशन तो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके रॉ मार्क्स के ऊपर, प्लस में आप जिस शिफ्ट में बैठे थे वो शिफ्ट कैसा था? मतलब वहां पे जो आपके कंपटीटर थे, स्टूडेंट थे, उनके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बहुत हार्ड लगा है, आप बहुत कम अटेम्प्ट किए, लेकिन आपके शिफ्ट के जो अदर स्टूडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, तो वो रेलवे उसको मानेगा वो इजी शिफ्ट था, क्योंकि रेलवे ओवरऑल अटेम्प्ट से चेक करता है ये शिफ्ट इजी है या हार्ड है, वो आपके अकॉर्डिंग तय नहीं करता। ये चीज को दिमाग में ऐसे मैं मतलब बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आपको निगेटिव करके आना, मैं बस जो मतलब कि कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। ठीक है ग्रुप डी का 7 CVT। फिर अभी दुबे जी इसको लेकर के मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, एक्चुअली ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से हो मैं ये बता रहा हूँ। एक्चुअली बीच में क्या हुआ था कि रेलवे का एक टेंडर डॉक्यूमेंट आया था, तो रेलवे जब टेंडर निकालती है तो वहां पे जो टेंडर ले रहे होते हैं उनको ऐसे क्लियर मेंशन करना पड़ता है कि मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं ग्रुप डी में सीबीटी टू भी करवाऊंगा। समझ रहे आपको, कल को ये चीज मेंशन नहीं करेगा रेलवे डॉक्यूमेंट में, कल को अचानक से रेलवे उस टेंडर को बोल देगा कि आपको सीबीटी टू करवाना है, तो फिर तो वो हाथ खड़ा कर देगा, भैया आपने तो पहले ही बोला था कि सीबीटी वन ही करवाना। आप लोग निश्चित रहिए ग्रुप डी में आपका सीबीटी टू नहीं होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसमें आप माने नए वन डॉक्यूमेंटेशन में गवर्नमेंट को कोई फेल नहीं कर सकता, इसलिए उनको वो चीजें मेंशन कर। और ऐसा मत समझो कि ग्रुप डी में सीबीटी टू होगा तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, उनको भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ग्रुप डी में। और आया तो ऑलरेडी आप लोगों का फिजिकल हो रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बात है ग्रुप डी की जॉब करें तो फिजिकल का डिमांड होता है, इसलिए आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अभी कराया जाता है। ठीक है संजीव जी बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे, कोई चिंता ना करें आप लोग। हाँ चलिए कोई अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं निशु कुमार जी, हालांकि अभी ये इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे होंगे। सर ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है? जी आपको जानकारी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर स्टूडेंट्स को बताएं, और आपने प्रमोशन के लिए अभी तक अप्रोच किया कि नहीं किया ये भी बताएं। नहीं मेरा अभी तक प्रमोशन का अप्रोच नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। देखिए ग्रुप डी में प्रमोशन जो है थोड़ा सा, ग्रुप डी में प्रमोशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो है ना, जनरली 3-4 साल में प्रमोशन होता है, तो मेरा अभी ज्वाइन किए हुए करीब करीब 1.5 से 2 साल के करीब हो रहा है, 1.5 साल से 2 साल के बीच में है, तो मेरा अभी प्रमोशन नहीं हुआ है। और कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पे प्रमोशन थोड़ा फास्ट है, जैसे कैरियर वेगन में कहा जाता है, ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कैरियर वेगन में प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में एक ही तरह से प्रमोशन होता है। और अब जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, प्रमोशन सही तरीके से दिए जाएँ और जो एलिजिबल है उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है तो प्रमोशन के लिए टेंशन नहीं लेना है, आप ज्वाइन कीजिए, आपका वर्क वैसे वर्क का उतना ये नहीं होता, आपका नॉलेज भी देखा जाता है, कुछ टेस्ट होते हैं थोड़े बहुत, डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, अच्छा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, वो देखिए आप।
आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जो है कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पर, और ये जो है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म SSC के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है कि इतने सारे कंटेंट का जो है कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पर ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनिक्स के द्वारा SSC CGL and CHSL 21-22 एग्जाम जो है कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CET ब्रह्मास्त्र बैच की, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये भी जो है कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारे इस बैच की फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की, ये SSC CGL 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जो है कि फैसिलिटीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए सफलता बैच की, तो सफलता बैच जो है कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज होगी और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए, तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव SSC CGL 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक SSC GD Constable 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर SSC Multitasking एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है, फाउंडेशन बैच SSC CPO 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक SSC Stenographer 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा, ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अन अकेडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड, 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800 यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500 यानी आपको एक महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अन अकेडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन से लाइव दे सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का SSC का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप, 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं, ओके फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ओके।